उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश देने के मामले में अपना जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि राज्य द्वारा जारी निर्देश दुकानों और भोजनालयों के नाम से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों को और से मिली शिकायतों के बाद किया गया है। उसने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों की चिंताओं को दूर करने का कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूं मीनू वर्मा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है। हाँ, मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर, क्योंकि वो है और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार ने कहा कि मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अलग उपाय जैसा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेम प्लेट विवाद में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि प्रेस विज्ञप्ति पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन को सुनिश्चित करने के लिए जनहित में जारी की गई थी, जिसमें सालाना 4,07,00,000 से अधिक कांवड़िया भाग लेते हैं। उनका कहना है कि वह किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने आगे ये भी कहा कि हमारे संविधान में निहित धर्म निरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के नाते हर व्यक्ति की धार्मिक भावना की रक्षा करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाता है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए। सुनिए कांवड़ियों को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए। जहाँ जिस रूट पर भारी मात्रा में कांवड़ यात्री चले वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो, और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। बड़े देवालयों में शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने दें। स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था हर एक जगह हो, और सुरक्षा के लिए जो भी हम लोग अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं वह हम लोग करें। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।